आप देख रहे हैं अपना समाचार। सबसे पहले आपको नमस्कार और धन्यवाद आप लोगों को। और आज यहाँ मुंबई मड में पुलिस हीरो शूटिंग स्टार्ट हुई है, जिसका आप देख रहे हैं कि इंडिया कॉमर्स प्रेजेंट और चड्डी बड्डी प्रोडक्शन से फिल्म हो रही है अनिल काबरा जी का। तो काफ़ी अच्छी कहानी इस पर लिखी गई है और ये आज के समय में जो पिक्चरें बन रही हैं, जैसे भी आपने बॉर्डर देखा, संघर्ष देखा, तो ये भी कुछ हटके है, इसमें कोई लव का ऐसा कुछ नहीं है। एक सामाजिक फिल्म जो बिहार सच्ची घटना पर आधारित है इसकी कहानी, तो उस पर ये पुलिस गिरी, मतलब पुलिस का ज़्यादा दबदबा दिखाया गया है, तो उस टाइप की कहानी है। तो क्या कहना चाहेंगे कि मेन किरदार में नजर आएंगे तो जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, क्योंकि सारा आकर्षण आते ही रहेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको निभाऊँ भी। और आज के दौर में आप देख ही रहे हैं कि फिल्में हमारी अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, सब आ रही हैं, और हिंदी के भी काफ़ी दशा ख़राब है, तो कोशिश किया जा रहा है कि कुछ अच्छा करके सुधारा जाए इसको। तो विलेनस रोल करते हैं, मतलब नेगेटिव रोल करते हैं और ये मेन किरदार है, तो कितना बड़ा चुनौती होगा ये परिवर्तन आपके लिए? देखिए, किरदार कोई भी हो, चुनौती सब में होता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एक्टर तो एक्टर ही अपना फर्ज निभाएगा चाहे जैसा भी करे। और अभिनेत्री का बताइए, प्रियंका जी हैं और इसमें प्रियंका पंडित जी हैं और आयुषी तिवारी जी हैं मेरे साथ, जो कि आज उनका एक गाना हुआ, अभी सेट पर चल रहा था, ख़त्म हुआ। और कौन नजर आएंगे आपके अलावा? मेरे अलावा बहुत लोग नजर आएंगे, जो अभी मीडिया को मैं शायद राम जी को प्रेस विज्ञप्ति दूंगा तो आप लोग देखेंगे, काफ़ी लोग हैं इसमें। अमित शुक्ला है, उमेश सिंह हैं, प्रेम दुबे हैं, काफ़ी लोग हैं इसमें, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, सारे मार्केट के लोग इसमें हैं। तो सर, कब तक शूटिंग, कहाँ कहाँ शूटिंग होगी, कब तक आने की उम्मीद है ये फिल्म को पर्दे पर? ये फिल्म अप्रैल से मई तक में आएगा और ये इसकी शूटिंग मुंबई के बिरार में, नाला सुपारा में, बिरार और फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान और मड के कुछ जगहों पर पूरी की जाएगी। राजू सिंह भाई जी, जैसे कि बॉलीवुड में कई स्टार्स रहे जो विलेन पहले किए बाद में हीरो करें, उन्हीं के नक्शे कदम भोजपुरी में आप पहली बार जो विलेन करके फिर हीरो कर रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, ख्याल आया कि आपको हीरो करना चाहिए पहले कि विलेन से? नहीं, देखिए, एक्टर एक्टर खाली एक्टिंग करता है, अभिनेता होता है वो। इरफान खान को देखिए आप, नवाजुद्दीन को देखिए, विनोद खन्ना को देखिए, शाहरुख खान को देखिए, सारे लोग नेगेटिव करते आए हैं, बाद में पॉजिटिव हुए हैं। मेरा भी प्रयास होगा कि मैं हर रोल अपना दमदार निभाऊँ। किरदार के लिए कुछ खुलासा करना चाहें, जैसे पुलिस की वर्दी है? और किरदार बहुत ही दमदार और एक सच्ची घटना पर आधारित था, तो काफ़ी मज़ा आएगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी कहानी में आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। जैसे आज फिल्म का मुहूर्त है और एक फिल्म की शूटिंग भी चल रही है, तो बताना चाहेंगे उस फिल्म के बारे में? बस यही कि इसके गाने चल रहे हैं आज, गाने प्रियंका पंडित हमारे हुए हैं और अभी हमारे गाने का शूटिंग चल ही रहा है, जब आप लोग आए हो तो बस सामने ही है। कह सकते हैं फिल्म की शूटिंग समाप्त, दूसरी की शुरुआत, ऐसा? हाँ, चैंपियन ने भी जस्ट खत्म हुई है 20 दिन पहले, उसमें भी 2 दिन का काम बचा है, लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगा, बाकी नई शुरुआत है। चैंपियन में आप किस रूप में नजर आएंगे? चैंपियन में रवि किचन जी हमारे बड़े भाई हैं और हम दोनों काफ़ी अच्छी मूवी बनी है और रवि एक साथ तो एकदम एक अलग ही मज़ा रहा शूटिंग का, बहुत ही मज़ा आया। इस फिल्म में आपके साथ और कौन बड़े स्टार हैं? मेरे साथ सारे स्टार बड़े इसमें हैं, जो जितने भी मार्केट के अच्छे लोग हैं, अमित शुक्ला, उमेश सिंह, चंद्रकांत यादव, सोनू पांडे, गोपाल राय, ब्रजेश त्रिपाठी, अयाज खान, शायद मैं नाम भी ना ले पाऊँ, इतने लोग हैं इसमें, बहुत से लोग हैं, मल्टी स्टारर फिल्म होगी ये। बस कहना चाहेंगे कि एक बार जरूर देखिएगा और अच्छी बनाई जा रही है, क्योंकि बिहार बेस है तो बिहार की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग को। थैंक यू।